नमस्कार, मैं अनिता सैफी। देख रहे हैं आप कहाँ खबर। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 10 न्यूज। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, अब तक 76 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 1 लाख से ज्यादा दर्ज हुई मौतें। कांग्रेस ने जारी किया बदलाव पत्र, किसानों का कर्ज और बिजली बिल माफ करने का वादा, बिहार चुनाव की पूरी तैयारी। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 रैलियां, भागलपुर कैमूर में भी होगी सभा। आज से खुल रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क, कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी। दुर्गा पूजा पंडाल में एंट्री को HC ने दी सशर्त मंजूरी, सिंदूर खेला पर अब भी है रोक। लखीसराय में लोगों को संबोधित करते हुए बोले राज बब्बर, वादे भूले नीतीश कुमार, बिहार में रोजगार मांगने पर मिलती है धमकी। अब आयकर विभाग के अधिकारी किसी के यहाँ भी सर्वे बिना उच्च अधिकारियों की इजाजत से नहीं कर पाएंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का फैसला। IPL की तर्ज पर श्रीलंका प्रीमियर लीग का होने वाला है आयोजन, सलमान खान के परिवार ने खरीदी क्रिकेट टीम। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में दोनों आरोपी विजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने की खारिज। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। हमें YouTube पर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें Facebook पर देखने के लिए हमारा पेज लाइक और शेयर करें। आपसे मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।